श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आप किसी भी सोमवार में कर सकते हैं। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में इस नए और विशेष उपाय की जानकारी दी थी। यह उपाय आपको 11 रुद्रों का नाम स्मरण करते हुए करना होता है। भोलेनाथ के जो 11 रुद्र अवतार हैं उनका स्मरण करते हुए यह उपाय किया जाता है। अब कौन कौन से 11 रुद्र अवतार हैं वह आपकी स्क्रीन में भी दिख रहे हैं, पहले आप वह देख लीजिए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिवृष्ण, शंभु, चंड तथा भव। यह जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा के दौरान दी थी और इन्हीं का नाम लेते हुए आपको यह विशेष उपाय किसी भी सोमवार से आप करना शुरू कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है पहले आप वह समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को एक रुद्र अवतार का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। मतलब जो मैंने आपको 11 रुद्र अवतार के नाम बताए हैं जो आपको स्क्रीन में भी देखने को मिले थे, वह रुद्र अवतार में से सिर्फ एक रुद्र अवतार का नाम लेते हुए एक सोमवार को आपको यह उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको एक दिया जैसी कुंड जैसी आकृति बना लेना है। अब यह जो आकृति आपने कुंड जैसी बनाई है, गोल, जो उसी वृक्ष की नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए बनाई है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है। जल डालने के बाद आपको इसके साथ इसके बाजू में एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। घी का दीपक आपको अलग से बाजू में कुंड के प्रज्वलित करना है। पहले आपको कुंड तैयार करना है, उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल देना है, इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए सभी से कुंड जैसी आकृति बना पाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप एक ऐसा कर सकते हैं, किसी कोरे दिए को, मतलब जिसमें आपने अभी तक दीपक प्रज्वलित नहीं किया है, इस प्रकार के कोरे दिए का उपयोग आप इस उपाय में कर सकते हैं, जिसमें आप उस कोरे दिए में आप जल डाल दें और जल डालने के बाद उस जल को आपको उपयोग करना होता है, वापस प्राप्त करना होता है, वह जल पति पत्नी को पीना होता है। तो इसलिए आप यदि आपसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए एक कुंड जैसी आकृति बनाते नहीं बन रही है, जिसके अंदर आप जल नहीं डाल पा रहे हैं, टूट रही है, तो ऐसे में आप एक कोरे दिए का उपयोग कर सकते हैं। आपको एक कुंड जैसी आकृति बनाना है, उसमें आपको जल भरना है, इसके बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, साथ में आपको प्रसाद में कोई मीठा दूध या फिर खीर या मिठाई जो भी आप अर्पित कर सकते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उसको आपको रखना है। आपको यह अर्पित करना, जो मिठाई अर्पित कर रहे हैं वह आप अलग से किसी बेलपत्र के ही पत्ते में या फिर किसी अन्य पत्ते में भी रख के अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ को आपको प्राप्त करना है। जो आपने मिठाई थोड़ी सी अर्पित की है, आपको मिठाई का थोड़ा सा भाग ही मिल पा रहा है तो वह प्राप्त कर लेना है, थोड़ा सा वहीं पे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छोड़ देना है, या फिर आप पूरी मिठाई भी उठा सकते हैं। आपको मिठाई वापस प्राप्त करना है। कुंड जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए बनाया था, जिसके अंदर आपने जल डाला था, उस कुंड का जल भी आपको प्राप्त करना है। आप किसी चम्मच का उपयोग करते हुए उससे आप वापस उठा के अपने हाथ में ले सकते हैं। जल को प्राप्त करके पति पत्नी दोनों को उस जल का आचमन करना है और मिठाई जो आपने अर्पित की है वह मिठाई भी आपको प्राप्त करके पति पत्नी दोनों को उसको प्राप्त करना है और उसे खा लेना है और पति पत्नी को साथ में रहना है। अब आप यह उपाय जब पहले सोमवार को करेंगे, तो आप जब पहले सोमवार में यह उपाय करेंगे तो आपको एक रुद्र अवतार का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। मतलब पहले सोमवार को आप सिर्फ कपाली का नाम लेते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करते समय, मतलब पूजन जब आप शुरू करेंगे, जब मिट्टी का आप कुंड बनाएंगे या फिर आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे, तब आपको कपाली का नाम स्मरण करना है, उसके बाद ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है और पूरा उपाय करना है। और अंत में जब आप प्रसाद का आचमन करेंगे, मतलब उस जल का आचमन करेंगे और उस जो मीठा आपने अर्पित किया है, खीर, दूध या जो मिठाई का आपने पीस अर्पित किया है, उसका आचमन करते समय भी आपको महादेव के एक रुद्र अवतार का नाम कपाली का नाम स्मरण करना है। मतलब पहले सोमवार में आपको कपाली का स्मरण करना है, फिर अगले सोमवार में आपको कपाली का स्मरण नहीं करना है, अगले सोमवार में आपको पिंगल का स्मरण करना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए आपके स्क्रीन में, हर सोमवार को आपको अलग अलग रुद्र अवतार का स्मरण करना है। एक रुद्र अवतार का स्मरण आपको दो सोमवार में नहीं करना है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अभीष्ण, शंभु, चंड और भव, इनका उपयोग करते हुए, इनका नाम का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा 11 सोमवार के पहले ही
संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं और यह उपाय आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और इस उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।